गुड मॉर्निंग एवरी व्यूअर्स, दिस वीडियो इज बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड फिफ्थ एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन वन द ग्लोब। तो ए बी और सी क्वेश्चन ग्रुप जो है पिछले वीडियोज में हमने सॉल्व कर दिया था, लिखा दिया था आप लोगों को। आज डी और ई ग्रुप का करना है। डी ग्रुप में है चूज द करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। द ऑर्बिट ऑब्लिक एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसमें ऑर्बिट गलत है, एक्सिस होगा, ठीक है। तो द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सिस जो है एक, ठीक है। दूसरा है द रोटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट्स इन अकरेंस ऑफ सीजन्स एंड डे एंड नाइट। तो अर्थ के रोटेशन के कारण तो डे एंड नाइट होता है, सीजन है, तो ये गलत हो गया, सीजन को काट दिया हमने। द रोटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। द लैटिट्यूड ऑफ द साउथ पोल इज लेवल 90 डिग्री एस। साउथ पोल है तो 90 डिग्री एस होगा, 90 डिग्री एन गलत है, इसको काट दिया। द ग्लोब्स आर हैवी या लाइट। तो ग्लोब हैवी नहीं होता, भारी नहीं होता, लाइट होता, हल्का होता, हैवी को काट दिया। फिफ्थ नंबर में है वी कैन नॉट और कैन नॉट गलत है। वी कैन सी द होल अर्थ ऑन द ग्लोब इन वन ग्लांस, मतलब हम एक नजर में अर्थ को पूरा नहीं देख सकते हैं, तो वही कैन नॉट होगा। तो नहीं देख सकते हम सी द ऑन द ग्लोब, नहीं नहीं नहीं, इसे हम नहीं देख सकते हैं। ये कैन सही है, कैन नॉट नहीं देख सकते, ये कैन गलत है। ओके, ये भी ठीक है। अगला है इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रिजर्व ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम प्रिजर्व नहीं कर सकते। कैन है तो कैन गलत हो गया, ठीक है। ये कैन गलत, ये कैन गलत, हैवी गलत, हैवी 90 डिग्री एस फॉल्स हो गया, ऑर्बिट इज रॉन्ग। ओके, अब आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द इक्वेटर। मतलब इक्वेटर को डिफाइन करना है। द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स अराउंड द मिडिल ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड इक्वेटर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज अ ग्लोब। आंसर होगा वी यूज ग्लोब बिकॉज इट हेल्प्स अस इन स्टडीइंग अबाउट द अर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट कम्स डे एंड नाइट ऑन अर्थ। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज्ड डे एंड नाइट। Why are the lines of latitude called parallel of latitude? तो इसका आंसर होगा the lines of latitude never meet each other and hence called parallels of the latitude. Okay? Fifth number question है why are the lines of longitude called meridians? तो इसका आंसर होगा the lines of longitude are the half circle that run vertically from north to south on the globe and hence called meridians. Okay? फिर है name some important lines of latitude and longitude and their degree. इसका answer होगा important lines of latitude पहले ले लेते हैं। important lines of latitude, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री एस, यहाँ एस हो जाएगा, एंड अंटार्कटिक सर्कल भी लिख सकते हैं 66.5 डिग्री एस। फिर इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, द ग्रीनविच 0 डिग्री, द इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों एक ही लाइन होता है। फिर है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका आंसर होगा द टाइम एंड डेट ऑन द अर्थ आर डिटरमाइंड बाय दिस, बाय दिस के जगह पर द प्राइम मेरिडियन भी लिख सकते हैं। तो द टाइम एंड डेट ऑन द अर्थ आर डिटरमाइंड बाय द प्राइम एंड द प्राइम मेरिडियन। ओके, थैंक यू वेरी मच। सीजन, द रोटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द अकरेंस ऑफ सीजन, सीजन नहीं होता रोटेशन के कारण, डे एंड नाइट होता है, ये गलत है। ओके, थैंक यू वेरी मच।